So let us start to see the reforms of Ayub Khan or the policies of Ayub Khan. मैं चैप्टर नंबर 12 को चैप्टर नंबर 16 को एक साथ लेके चलूंगा ताकि आपके लिए भी आसानी हो जाए. सो डोमेस्टिक पॉलिसीज आर द पार्ट ऑफ चैप्टर नंबर 12 एंड फॉरेन पॉलिसीज आर द पार्ट ऑफ चैप्टर नंबर 16. तो दोनों को ही एक साथ आपको समझाना शुरू करेंगे स्टेप बाय स्टेप. लेट अस स्टार्ट टू सी द डोमेस्टिक पॉलिसीज ऑफ अयूब खान. फर्स्ट, अयूब खान ब्रॉट सम सोशल रिफॉर्म्स, ही इंट्रोड्यूस्ड सम एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड ही इंट्रोड्यूस्ड सम इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एज वेल. Let us start to see his domestic reforms one by one, beginning with the social reforms of Ayub Khan. Day plan के अंदर देखना, ये एक सवाल आपके पास मौजूद होगा 14 marks का, जिसके अंदर आपको तीनों इसके reforms, social, administrative और economic reforms को आपको explain करना होगा और फिर finally evaluation देनी होगी कि which among them was the greatest reform done by Ayub Khan. जरा देखते हैं. Number one, he fixed the prices of बेसिक फूड आइटम्स. मुल्क में जो खाने पीने की बेसिक गुड्स होते हैं उनकी प्राइसेस को फिक्स कर दिया गया. दूध की प्राइस, दही की प्राइस, तेल की प्राइस, घी की प्राइस, इन सारी प्राइसेस को फिक्स कर दिया गया ताकि आम आवाम के ऊपर अगर इन्फ्लेशन होती भी है तो हमारे जो स्टेपल चीजें हैं, जो हमारी बेसिक नीड्स हैं, उनकी प्राइसेस ना बढ़ जाए और ऐसा ना हो कि गरीब आदमी जो है वो बेसिक चीजों से महरूम हो जाए. इस वजह से बेसिक फूड आइटम्स की प्राइसेस को फिक्स कर दिया गया. एंड देन ही स्टार्टेड क्रैक डाउन अगेंस्ट स्टॉक पाइलिंग. नाउ व्हाट इज स्टॉक पाइलिंग? स्टॉक पाइलिंग क्या होती है? स्टॉक पाइलिंग का मतलब होता है होर्डिंग. होर्डिंग का मतलब क्या होता है? जखीरा अंदोजी. जखीरा अंदोजी क्या होती है? जैसे कि कोविड में जब मास्क की डिमांड बढ़ गई तो हमारे अवाम ने क्या किया, अचानक से मास्क को गायब कर दिया मार्केट से और महंगे में बेचना शुरू कर दिया. अभी देखो रमजान शुरू होगा, रमजान में क्या होगा, रमजान में हर घर में फ्रूट चाट बनेगी. तो इसी वजह से यहाँ के जितने भी बिजनेसमैन होते हैं या जितने भी लोग हैं स्टेट के अंदर इन्वॉल्व, वो फ्रूट की प्राइसेस महंगी कर देंगे, वो इसे स्टोर कर लेंगे, मार्केट से गायब कर देंगे और जैसे ही सीजन ऑफ होगा तो वो उसके बाद जबरदस्ती उसे निकालना शुरू करेंगे तो काफी सारा फ्रूट तो वैसे भी सड़ जाएगा. बट आई होप यू गेट द आइडिया ऑफ व्हाट इज स्टॉक पाइलिंग. साथ ही साथ ही ऑल्सो ब्रॉट द लॉ नोन एज द मुस्लिम फैमिलीज लॉ ऑर्डर. एक कानून जारी किया जिसका नाम था मुस्लिम फैमिलीज लॉ ऑर्डर. दिस कंसिस्टेड ऑफ द लॉ अबाउट द मैरिज एंड डिवोर्स. देखो होता ये था कि पाकिस्तान में, क्योंकि पाकिस्तान में मेजोरिटी वॉज द मुस्लिम, तो पोलीगैमी वॉज कॉमन इन पाकिस्तान एंड द प्रॉब्लम वॉज नथिंग वॉज रजिस्टर्ड इन द कोर्ट्स. अब जरा मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिएगा आप लोग कि जब पाकिस्तान बना तो पाकिस्तान बनने के बाद कोई भी चीज रजिस्टर नहीं की जाती थी, बाकायदा उसके रिकॉर्ड नहीं होता था कोर्ट्स में कि किसने कितनी शादियां की हैं. अब अगर आप पॉलीगैमी करते हैं कि इस्लाम के हिसाब से चार शादियां जायज हैं तो चार का भी रिकॉर्ड नहीं है आपके पास. आपने पांच कर ली तो पांचवी का भी रिकॉर्ड नहीं है. आपने तीन की हुई है तो उसका भी रिकॉर्ड नहीं है. तो किसी चीज का कोई रिकॉर्ड नहीं है. आप चार करें पांच करें किसी भी चीज का कोई रिकॉर्ड नहीं. पॉलीगैमी मीन्स मल्टीपल मैरिजेस. तो यहाँ पर अय्यूब खान ने इस चीज को कानून बना दिया कि मैरिजेस एंड डिवोर्सेस हैड टू बी रजिस्टर्ड इन द कोर्ट्स. और साथ ही साथ पॉलीगैमी को रोकने के लिए भी लिमिट्स लगाई गई सो दैट द पीपल सो दैट देयर वुड बी लेस पॉपुलेशन ग्रोथ इन द कंट्री. देखो पॉलीगैमी जो है वो इस तरीके से बहुत ज्यादा आउट ऑफ कंट्रोल चल रही थी. मल्टीपल मैरिजेस बहुत सारी चल रही थी क्योंकि किसी का कोई रिकॉर्ड होता नहीं था. तो जब से रिकॉर्ड होना शुरू हो गई ये चीजें तो पॉलीगैमी के अंदर कमी आ गई, जिसका मतलब ये है कि पॉपुलेशन भी बहुत ज्यादा अब नहीं बढ़ेगी. चैप्टर नंबर 12 पॉपुलेशन को आप लोग याद रखिएगा. तो स्टेज टू का जो सवाल आता है, स्टेज टू ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल, उसमें याद रखिएगा ये बात कि अय्यूब खान के दौर में फैमिली प्लानिंग को, बर्थ कंट्रोल मेथड्स को प्रमोट किया गया टू कंट्रोल द पॉपुलेशन. साथ ही साथ अय्यूब खान ने एज लिमिट को भी लगा दिया गया और एज लिमिट शादी के लिए जो तय की गई वो ये थी कि खवातीन के लिए 16 साल की उम्र कम से कम होनी चाहिए शादी के लिए और हजरात के लिए 18 साल की उम्र होनी चाहिए कम से कम शादी के लिए. आजकल की लिमिट ऐसी नहीं है. आजकल के हिसाब से अगर हम सिंध के प्रोविंस की बात करें तो दैट इज 18 फॉर मेल एंड फीमेल. आजकल के हिसाब से 18 साल की उम्र मेल और फीमेल दोनों के लिए है. बट प्रीवियसली ड्यूरिंग द टाइम ऑफ अय्यूब खान 16 साल की एज जो थी खवातीन के लिए फिक्स कर दी गई थी शादी के लिए. इसके अलावा पाकिस्तान में क्योंकि रेफ्यूजी क्राइसिस बहुत अरसे से चल ही रहा था और मुस्तकिल जो लोग थे वो हिंदुस्तान से पाकिस्तान हिजरत कर रहे थे, तो मुस्तकिल जरूरत थी कि नए नए घर हम बना सकें. एंड सो हाउसिंग स्कीम वॉज लॉन्च बाय अय्यूब खान एंड इट वॉज डन टू रिहेबिलिटेट द रेफ्यूजीज. इट वॉज एस्टेब्लिश्ड एट कोरंगी. कोरंगी जो कराची का इलाका है वहां पर एक हाउसिंग स्कीम लॉन्च की गई थी
और वहां पर हाउसिंग स्कीम के अंदर रेफ्यूजीज को रिहैबिलिटेट करने की बात की गई थी। एक बड़ी अनोखी बात आपको बताऊंगा कि द क्वीन एलिजाबेथ द सेकेंड हु इज स्टिल अलाइव, वो आज भी जिंदा हैं, शी केम टू पाकिस्तान फॉर द इनॉग्रेशन ऑफ कोरंगी हाउसिंग स्कीम। तो उन्हें भी इन्वाइट किया गया था कि वो आई थी और कोरंगी हाउसिंग स्कीम को उन्होंने यहाँ पर इनॉग्रेट किया था। Moreover, about education, so Ayub Khan initiated the idea that free education should be given up till primary, जो primary है उसकी education जो है वो free होनी चाहिए और ख़ास तौर पर rural areas में free होनी चाहिए, लेकिन इसका कोई बहुत अच्छा impact पड़ नहीं सका। The problem in Pakistan is जो landlords हैं वो landlords अपने लोगों को, अपने subordinates को discourage करते हैं पढ़ाई के लिए, क्योंकि अगर सब पढ़े लिखे हो जाएंगे तो वो तो तरक्की कर जाएंगे ना, तरक्की तो करने नहीं देना है, सबको गुलाम बना के रखना है। तो स्लेवरी जो हमारे पाकिस्तान में एक मौजूद है लैंडलॉर्ड सिस्टम की वजह से, उस वजह से बहुत सारे जो लैंडलॉर्ड्स थे वो डिस्करेज करते थे अपने लोगों को तालीम हासिल करने से। चलिए लैंडलॉर्ड्स की तो बात अलग है, मुल्क में अभी भी और पहले भी ज्यादातर फार्मर्स कौन से थे, सबसिस्टेंस फार्मर्स। सबसिस्टेंस फार्मर्स कौन से होते हैं, एग्रीकल्चर चैप्टर नंबर 7, वो फार्मर्स जो कि अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए क्रॉप्स को ग्रो करते हैं और वही उनका सारा सस्टेनेंस का जरिया होता है। सो दोज आर दी सब्सिस्टेंस फार्मर्स। जो सब्सिस्टेंस फार्मर्स हैं वो अपने साथ साथ अपनी फैमिली मेंबर्स को लेके फार्म के ऊपर काम करते हैं, तो उन्हें तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा कि बच्चा स्कूल में जाके टाइम वेस्ट कर रहा है, इससे बेहतर ये है कि किसान बाप के साथ मिलकर खेती बाड़ी कर ली जाए। एंड देन द सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड्स वर सेट अप बाय अय्यूब खान। ये जो हम बोर्ड का निज़ाम देखते हैं, जो इंटर बोर्ड है, मेट्रिक बोर्ड है, तो इन सारे बोर्ड्स का निज़ाम भी अय्यूब खान ने ही सेट किया था। And then he also revised the degree program in the universities. Universities के अंदर degree program को revise किया गया था। Revise किस तरीके से किया गया था, 1947 में जब पाकिस्तान बना तो bachelor's होता था 2 साल का, अय्यूब खान ने इसे 3 साल का कर दिया था, लेकिन बाद में revert करके इसे दोबारा से 2 साल का ही कर दिया गया था। Now one thing more about it that if I talk about nowadays, आजकल के हिसाब से अगर बात की जाए तो आजकल के हिसाब से जो बैचलर्स का प्रोग्राम होता है वो 4 साल का होता है, लेकिन अय्यूब खान ने इसे 3 साल के हिसाब से फिक्स कर दिया था। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स ऑफ अय्यूब खान। अय्यूब खान इंट्रोड्यूस्ड अ लॉ नोन एज एब्डो, इलेक्टेड बॉडीज डिस्क्वालिफिकेशन ऑर्डर। मेरे साथ साथ बेटा रिपीट कीजिएगा, इलेक्टेड बॉडीज डिस्क्वालिफिकेशन ऑर्डर, EBDO। Now what was EBDO? EBDO was very similar to something that we had already studied named as PRODA. आपको याद होगा कि मैंने 2 क्लासेस पहले जब लियाकत अली खान आपको पढ़ा रहा था तो मैंने वहां पर आपको PRODA समझाया था, Public and Representative Officers Disqualification Act। बिल्कुल उसी से मिलता जुलता आ गया Elected Bodies Disqualification Order। जैसा कि आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा Elected Bodies, Elected Bodies का मतलब क्या है कि जितने भी लोग जो कि इलेक्शन के थ्रू आएंगे, जो कि गवर्नमेंट में आएंगे या जो भी असेंबलीज में आएंगे, इफ एनी पर्सन इज फाउंड गिल्टी ऑफ करप्शन और मिसकंडक्ट, दैट पर्सन वुड हैव टू फेस द ट्रायल, उसे ट्रायल फेस करना पड़ेगा। और अगर ट्रायल के अंदर दैट पर्सन इज फाउंड गिल्टी, दैट पर्सन वुड बी डिसमिस्ड फ्रॉम द गवर्नमेंट सर्विस फॉर द नेक्स्ट 6 years। हाउएवर इफ द सेम पर्सन वॉज फाउंड इनोसेंट, दैट पर्सन वुड बी रिस्टोर्ड। वरना आपके पास ये भी ऑप्शन है कि अगर आप ट्रायल के लिए नहीं जाना चाहते, यू कैन जस्ट गो फॉर रिटायरमेंट, आपको रिटायरमेंट भी मिल सकती है। दिस वॉज EBDO, इन माई ओपिनियन दिस वॉज बेटर देन PRODA। मेरी नज़र में ये PRODA से बेहतर था। PRODA से बेहतर क्यों था, अगर आपको याद हो हमने पढ़ा था दैट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ लियाकत अली खान देर वॉज अ लॉ नोन एज पब्लिक एंड रिप्रेजेंटेटिव ऑफिसर्स डिस्क्वालिफिकेशन एक्ट। इसके मुताबिक द गवर्नर जनरल हैड द पावर टू एनीवन, If anyone is found guilty of misconduct or corruption, अगर कोई भी गलत कामों में पाया गया तो उसे directly dismiss कर दिया जाएगा। गवर्नर जनरल के पास ये अथॉरिटी थी। लेकिन मुझे EBDO क्यों अच्छा लगता है, मुझे EBDO इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि EBDO के अंदर लिखा हुआ है कि आपको ट्रायल का मौका मिलेगा। ट्रायल का मतलब क्या होता है कि आप अपना लॉयर करवा सकते हो और अदालत में अपना केस लड़ सकते हो, अपने आप को मासूम साबित कर सकते हो। अगर आपके ऊपर जुर्म साबित नहीं हुआ तो आपको दोबारा से अपनी पोजिशन के ऊपर रिस्टोर कर लिया जाएगा, और अगर आपके ऊपर जुर्म साबित हो गया तो आपको डिसमिस किया जाएगा, विच आई थिंक इज वेरी सेंसिबल लॉ। मोरओवर अय्यूब खान आल्सो इंट्रोड्यूस्ड अनदर लॉ एंड दिस इज नोन एज द बेसिक डेमोक्रेसीज ऑर्डर, BDO। एक और लॉ लेकर आए अय्यूब खान जिसका नाम है बेसिक डेमोक्रेसीज ऑर्डर। तो अभी तक हमने कितने लॉ पढ़ लिए अय्यूब खान के, 3 ऑर्डर्स पढ़ लिए अय्यूब खान के,
एक ऑर्डर हमने पढ़ा जिसका नाम था मुस्लिम फैमिलीज लॉ ऑर्डर, दूसरे का नाम हमने पढ़ा एब्डो इलेक्टेड बॉडीज डिस्क्वालिफिकेशन ऑर्डर, और तीसरे का नाम हम पढ़ रहे हैं बेसिक डेमोक्रेसीज ऑर्डर। बेसिक डेमोक्रेसीज ऑर्डर का बेसिक आइडिया क्या है? बेसिक डेमोक्रेसीज ऑर्डर का मतलब ये है डेमोक्रेसी विद डिसिप्लिन। अय्यूब खान ने ये फिलोसफी लेकर आया कि हमारे मुल्क में डेमोक्रेसी तो मैं इंट्रोड्यूस करूंगा, लेकिन डेमोक्रेसी इंट्रोड्यूस इस तरीके से करूंगा कि बहुत ही बेसिक लेवल की डेमोक्रेसी होगी, डिसिप्लिन के साथ डेमोक्रेसी को इंट्रोड्यूस किया जाएगा। अय्यूब खान का कहना यह था कि हमारे अवाम इस वक्त रेडी नहीं है कि उन्हें फुल फ्लेज्ड फॉर्म में डेमोक्रेसी मिल जाए, लोगों में इतना सेंस नहीं है कि वो डेमोक्रेटिक चीजों को फॉलो कर सकें, तो इस वजह से लोगों को आहिस्ता आहिस्ता डेमोक्रेसी की प्रैक्टिस देने के लिए द इनिशियल फेज वुड बी डेमोक्रेसी विद डिसिप्लिन, दैट इज नोन एज द बेसिक डेमोक्रेसी कहा यह गया। इसके अंदर होगा सिस्टम ऑफ इनडायरेक्ट इलेक्शन, सिस्टम ऑफ इनडायरेक्ट इलेक्शन एंड फोर टीयर सिस्टम और दी फोर लेवल सिस्टम। जरा देखते हैं ये चीज है क्या, ये चीज इस तरीके से है, जस्ट लुक एट इट वन बाय वन एवरीवन, दैट दिस इज अस द कॉमन पीपल। ये कौन है? हम लोग हैं आम अवाम। अवाम के जो लोग हैं वो वोटिंग करेंगे, और ये जो वोटिंग हम करेंगे किसके लिए करेंगे? फॉर द मेंबर्स टू बी इलेक्टेड इन द यूनियन काउंसिल। यूनियन काउंसिल कौन सी काउंसिल होती है? वो काउंसिल होती है जो कि हमारे गली मोहल्ले की होती है। सही, हमारे गली मोहल्ले के अंदर जो काउंसिल होती है उसे हम कहते हैं यूनियन काउंसिल। तो अय्यूब खान ने क्या कहा? अय्यूब खान ने ये कहा कि जो हमारे अवाम है, मैं और आप, हम लोग क्या करेंगे? हम लोग अपने गली मोहल्ले के जो लोग हैं उन्हें यूनियन काउंसिल के लिए, अपने एरिया के लोगों को यूनियन काउंसिल के लिए वोट करेंगे। और ये जो यूनियन काउंसिल के लोग हैं ये मेंबर्स को सिलेक्ट करेंगे टू बी इलेक्टेड इन द कोऑर्डिनेशन काउंसिल। इसके बाद एक और काउंसिल बनाई जाएगी जिसका नाम है कोऑर्डिनेशन काउंसिल। इसमें अवाम कॉमन पीपल वोट नहीं कर रहे, बल्कि कौन वोट करेगा? यूनियन काउंसिल के मेंबर्स वोट करेंगे फॉर द नेक्स्ट काउंसिल, दैट इज कॉल्ड द कोऑर्डिनेशन काउंसिल। सिमिलरली जो कोऑर्डिनेशन काउंसिल के मेंबर्स हैं वो वोट करेंगे टू द कैंडिडेट्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, और उसके बाद डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर काउंसिल बनाई जाएगी जिसके ऊपर मैं और आप, हम लोग जो अवाम है, हम लोग वोट नहीं करेंगे, बल्कि कौन वोट करेगा? इसमें कोऑर्डिनेशन काउंसिल के मेंबर्स नेक्स्ट काउंसिल के मेंबर्स को वोट करेंगे, जिसके बाद डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के मेंबर्स प्रोविंशियल काउंसिल के मेंबर्स के लिए वोट करेंगे, एंड देन प्रोविंशियल काउंसिल के मेंबर्स नेशनल काउंसिल के मेंबर्स के लिए वोट करेंगे, एंड देन फाइनली ऑल ऑफ दीज पीपल टुगेदर वुड इलेक्ट द प्रेजिडेंट ऑफ द कंट्री। मैं एक दफा फिर इस पूरी कहानी को रिपीट कर देता हूं। व्हाट इज डेमोक्रेसी? डेमोक्रेसी इज मेजोरिटी इज द अथॉरिटी। डेमोक्रेसी क्या है आसान अल्फाज में? जैसा मेजॉरिटी कहेगी उसी चीज का फैसला होगा, दिस इज कॉल्ड डेमोक्रेसी। अय्यूब खान क्या लेकर आया? डेमोक्रेसी विद डिसिप्लिन। क्या मतलब हुआ इसका? कि दिस इज द बेसिक फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी। मुल्क में पूरी तरीके से डेमोक्रेसी नहीं लाई जा रही, बल्कि एक इस तरीके से लाई जा रही है डेमोक्रेसी जो कि बहुत ही बेसिक फॉर्म है डेमोक्रेसी का। इन दिस देर वुड बी सिस्टम ऑफ इनडायरेक्ट इलेक्शन। इनडायरेक्ट इलेक्शन का मतलब क्या है? कि अवाम, मैं और आप, हर काउंसिल के मेंबर्स को वोट नहीं कर सकते। हमारा काम क्या होगा? दैट वी आर गोइंग टू वोट ओनली फॉर द पीपल इन द यूनियन काउंसिल। आजकल ऐसा होता है क्या? आजकल ऐसा नहीं होता। आजकल क्या होता है? डायरेक्ट इलेक्शन होता है। डायरेक्ट इलेक्शन में क्या होता है कि अगर यूनियन काउंसिल का भी इलेक्शन हो हमारे मुल्क में, तो मैं और आप खुल के आजादी के साथ जाके वोट कर सकते हैं। नेशनल असेंबली का हो तो मैं और आप जाके वोट कर सकते हैं, प्रोविंशियल काउंसिल का हो तो मैं और आप जाके आसानी से वोट कर सकते हैं। अय्यूब खान के दौर में ऐसा नहीं था। अय्यूब खान के दौर में अवाम को एक दफा वोट करने की इजाजत थी टू द मेंबर्स ऑफ द यूनियन काउंसिल ओनली। द मेंबर्स ऑफ द यूनियन काउंसिल वुड वोट फॉर द कैंडिडेट्स ऑफ द कोऑर्डिनेशन काउंसिल। द मेंबर्स ऑफ द कोऑर्डिनेशन काउंसिल वुड वोट फॉर द कैंडिडेट्स ऑफ द डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। द मेंबर्स ऑफ द डिस्ट्रिक्ट काउंसिल वुड वोट फॉर द कैंडिडेट्स ऑफ द प्रोविंशियल काउंसिल, एंड द मेंबर्स ऑफ द प्रोविंशियल काउंसिल वुड वोट फॉर द कैंडिडेट्स ऑफ द नेशनल असेंबली, एंड ऑल टुगेदर ऑल दीज मेंबर्स ऑफ द काउंसिल्स वुड इलेक्ट द प्रेसिडेंट। दिस इज नोन एज द सिस्टम ऑफ इनडायरेक्ट इलेक्शंस। बेटा आप लोग सोच समझ के मेरी बात का जवाब दीजिएगा, क्या ये सिस्टम अच्छा है या आज का सिस्टम अच्छा है? लोगों ने चैट में लिखना शुरू कर दिया, सर आजकल का निजाम ज्यादा अच्छा है क्योंकि ये ज्यादा प्योर फॉर्म है डेमोक्रेसी की। ये जो अय्यूब खान लेकर आए थे इनडायरेक्ट सिस्टम ऑफ इलेक्शन, ये हमारी समझ से बाहर है कि भाई मेरे पास क्यों अथॉरिटी नहीं है, मैं अपनी मर्जी के बंदों को क्यों नहीं अपॉइंट कर सकता हूँ। दिस इज वेरी क्लियर एज यू पीपल आर सेइंग दैट देर आर लॉट ऑफ चांसेस ऑफ करप्शन
इन दिस फोर टीयर सिस्टम ऑफ अयूब खान। अयूब खान के इस निजाम में मैनिपुलेशन बहुत आसानी से हो सकती है। मैनिपुलेशन किस तरीके से होगी? ऑल टुगेदर दीज पीपल वर इनिशियली 80,000 एंड लेटर ऑन द नंबर वॉज इंक्रीज टू 1,20,000 मेंबर्स, बट इट इज क्वाइट ईजी टू मैनिपुलेट थाउजेंड ऑफ पीपल। पूरी अवाम हमारी करोड़ों की अवाम है। वी हैव पीपल हु आर इन करोड़, करोड़ की पॉपुलेशन है हमारे पास। उन करोड़ों की पॉपुलेशन में से 80,000 लोगों को मैनिपुलेट करना आसान है, और ये जो 80,000 लोग हैं ये डिसाइड करेंगे कि हमारे मुल्क में प्रेसिडेंट कौन होगा। दे कैन बी इजीली मैनिपुलेटेड। सो लेट्स सी द रिजल्ट व्हाट हैपेंड। इसके बाद क्या हुआ इसे जरा देखते हैं। बिकॉज ऑफ दीज बेसिक डेमोक्रेसी, इस बेसिक डेमोक्रेसी के तहत हुआ ये था कि जब ये बेसिक डेमोक्रेट्स बने तो इन बेसिक डेमोक्रेट्स में से 95% ऑफ देम वोटेड इन फेवर ऑफ अयूब खान टू बिकम द प्रेसिडेंट, एंड सो दिस इज हाउ अयूब खान बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री। इस तरीके से अयूब खान मुल्क के प्रेसिडेंट बन गए। नाउ बीइंग द प्रेसिडेंट वो मजीद कुछ रिफॉर्म्स लेकर आ रहे हैं। उनमें से एक रिफॉर्म ये है दैट अयूब खान इंट्रोड्यूस्ड द 1962 कॉन्स्टिट्यूशन। वन थिंग वॉज अ गुड न्यूज फॉर पाकिस्तान, द गुड न्यूज वॉज एक्चुअली द बैड न्यूज वॉज 1956 कॉन्स्टिट्यूशन वॉज एब्रोगेटेड, बट द गुड न्यूज वॉज दैट इंस्टेड वी गॉट अनदर कॉन्स्टिट्यूशन दैट इज 1962 कॉन्स्टिट्यूशन। तो बहुत ज्यादा अरसे के लिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन नहीं रहा, बल्कि उसका एक हमें रिप्लेसमेंट मिल गई इन द फॉर्म ऑफ 1962 कॉन्स्टिट्यूशन। इन दिस कॉन्स्टिट्यूशन बेसिक डेमोक्रेसी वॉज एडेड, इसके अंदर बेसिक डेमोक्रेसी को एड किया गया था। देर वॉज यूनिकैमरल लेजिस्लेचर। अब बेटा यूनिकैमरल लेजिस्लेचर हम जिंदगी में पहली दफा नहीं पढ़ रहे, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है आप लोग भूल गए होंगे, तो एक दफा और मैं रिपीट कर देता हूँ। यूनिकैमरल मींस सिस्टम ऑफ वन हाउस ऑफ असेंबली। यूनिकैमरल का मतलब क्या होता है? सिस्टम ऑफ वन हाउस ऑफ असेंबली। इसका ऑपोजिट क्या है? इसका ऑपोजिट होता है बायकैमरल सिस्टम। व्हाट इज बायकैमरल सिस्टम? बायकैमरल सिस्टम स्टैंड्स फॉर द सिस्टम ऑफ टू हाउसेस। आजकल के हिसाब से अगर हम देखें तो आजकल के हिसाब से हमारे पास क्या है? सिस्टम ऑफ टू हाउसेस है। वी हैव द अपर हाउस एंड द लोअर हाउस, वी हैव द सेनेट एंड द नेशनल असेंबली इन इस्लामाबाद। उस जमाने में क्या था? उस जमाने में हमारे पास था वन हाउस ऑफ पार्लियामेंट, दैट इज कॉल्ड द यूनिकैमरल सिस्टम। यूनिकैमरल सिस्टम के साथ साथ यहां पर यह भी कहा गया कि इनडायरेक्ट इलेक्शन होंगे हमारे मुल्क में। पाकिस्तान का नाम इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान नहीं होगा, बल्कि पाकिस्तान का नाम होगा ओनली रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान में प्रेसिडेंट कुड नॉट बी रिमूव्ड अनलेस इम्पीच्ड। उस वक्त तक प्रेसिडेंट को रिमूव नहीं करवाया जा सकेगा जब तक कोई खास किस्म का उसके ऊपर ट्रायल ना हो जाए, उसके ऊपर कोई खास इल्जाम ना लग जाए, तब तक इसे रिमूव नहीं करवाया जा सकेगा। प्रेसिडेंट वुड नॉमिनेट हिज ओन कैबिनेट। प्रेसिडेंट अपनी मर्जी की कैबिनेट को अपॉइंट करेगा। ये उसकी अपनी मर्जी होगी कि कौन सी टीम ऑफ मिनिस्टर्स बनाएगा। प्रेसिडेंट कुड अपॉइंट हिज ओन जजेस, अपनी मर्जी के जजेस को अपॉइंट करेगा। और नेशनल असेंबली वॉज गिवन द एडवाइजरी पावर। नेशनल असेंबली के मेंबर्स उस वक्त तक लॉ पास नहीं कर सकेंगे जब तक उन्हें अप्रूवल ऑफ प्रेसिडेंट नहीं मिल जाएगा। सो दीज वर सम ऑफ द पॉइंट्स ऑफ द 1962 कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें एक दो चीजें और भी मैं आपको बता देता हूँ कि अभी भी पाकिस्तान को बने हुए इतने अरसा हो गया, लेकिन अभी भी पाकिस्तान में कहा यह गया कि वन यूनिट स्कीम होगी। अभी भी वेस्ट पाकिस्तान ईस्ट पाकिस्तान दो प्रोविंसेस होंगे, और ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान में पेरिटी ऑफ सीट्स होगी। पेरिटी ऑफ सीट्स पहली दफा नहीं पढ़ रहे, लेकिन उम्मीद है कि आप लोग भूल गए होंगे, तो एक दफा और रिपीट कर देता हूँ। पेरिटी ऑफ सीट्स मीन्स इक्वालिटी ऑफ सीट्स फॉर ईस्ट पाकिस्तान एंड वेस्ट पाकिस्तान। लेट अस सी द क्रिटिसिज्म्स ऑन द 1962 कॉन्स्टिट्यूशन। मोस्ट ऑफ द पीपल बिलीव less power is being given to the people and the politicians and more power is given to the president himself. This is too much power for one person. देखो अगर एक ही बंदे को इतनी ज्यादा पावर दे देते हो तो डेमोक्रेसी का ड्रामा नहीं करना चाहिए। अगर आप कह रहे हो मैं डेमोक्रेसी लेकर आ रहा हूँ, तो डेमोक्रेसी में तो अवाम के पास पावर होनी चाहिए, पॉलिटिशियंस के पास पावर होनी चाहिए, प्रोविंसेस के पास पावर होनी चाहिए। ये कौन सा तरीका है कि आप एक नया कानून लेकर आ गए जिसमें अपने आप को ही पावर्स देनी सारी। Parity of seats was criticized by East Pakistanis because they believed ke they are more in population, so they should be given more number of seats. And lastly, the name Islamic was removed from Pakistan.
पाकिस्तान इस्लाम के नाम पे बना था। मुसलमानों ने इतनी मेहनत करके, लड़ झगड़ के, हिंदुओं से लड़ झगड़ के, मुसलमानों ने कहा नहीं भाई, हमें तो एक ऐसा मुल्क चाहिए जहां पर हम अपने रिलीजन को सुकून से प्रैक्टिस कर सकें। जब मुल्क बन गया तो नाम ही इस्लामिक हटा दिया। सो ही वॉज क्रिटिसाइज अबाउट इट एंड द रिलीजियस पार्टीज वर अगेंस्ट अयूब खान बिकॉज ऑफ हिज दिस पॉलिसी दैट ही हैड रिमूव द नेम इस्लामिक फ्रॉम द नेम ऑफ पाकिस्तान। देन अयूब खान ऑल्सो चेंज द कैपिटल ऑफ द कंट्री। 7 मार्क्स का इसके ऊपर सवाल आ चुका है, व्हाई वाज कैपिटल चेंज्ड, व्हाई वाज कैपिटल चेंज्ड फ्रॉम इस्लामाबाद टू फ्रॉम कराची टू इस्लामाबाद इन 1960। ये सवाल हो सकता है आपने डे प्लान में भी देखा होगा। सो फ्रॉम 1947 टिल 1960 कराची वाज द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान एंड देन फ्रॉम 1960 ऑनवर्ड्स इस्लामाबाद वाज मेड द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान। वर्क बिगैन इन 1960 टू कंस्ट्रक्ट इस्लामाबाद। इस्लामाबाद हमारे मुल्क का पहला प्लान्ड और डेवलप्ड सिटी था। रीसेंट गवर्नमेंट ने एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च किया, दैट इज द रावी सिटी प्रोजेक्ट। हो सकता है आपने सुना इस बारे में, दैट इमरान खान गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड अनदर प्लान्ड सिटी इन पाकिस्तान, दैट इज नोन एज द रावी सिटी। तो दिस वुड बी द सेकेंड सिटी इन पाकिस्तान विच इज एक्चुअली प्लान्ड सिटी। हमारे मुल्क में कोई प्लान्ड सिटी नहीं होती, हमारे मुल्क में सारी की सारी अनप्लान्ड सिटीज होती हैं, कोई भी कहीं पर भी शहर बन जाता है हमारे यहाँ। और कराची का तो हाल आप सबको पता ही है, किस तरीके से हर डायरेक्शन के अंदर फैल रहा है कराची। सो अयूब खान डिसाइडेड टू चेंज द कैपिटल। ही वांटेड अ मोर सिक्योर कैपिटल, क्योंकि पहाड़ों के बीच में अगर आप देखें सो इट इज ऑन पोटवार प्लेटो और उसके दोनों तरफ ही पहाड़ मौजूद हैं, जिसकी वजह से इट इज कंसिडर्ड टू बी मोर सिक्योर कैपिटल। अगर मैं बात करूँ कराची की, तो कराची लैंड रूट से भी कनेक्टेड है। अगर हम ईस्टवर्ड्स जाएं कराची से, हम ईस्ट की तरफ जाना शुरू करें, तो हम आगे जाके सिंध को क्रॉस करके ईस्टवर्ड्स हम इंडिया में जा सकते हैं। तो इस तरीके से इंडिया वाले बड़ी आसानी से इनफिल्ट्रेट भी कर सकते हैं इनटू पाकिस्तान। अदर देन दैट समंदर का रूट भी बहुत कनेक्टेड है विद इंडिया, तो इट इज़ नॉट कंसिडर्ड एज अ वेरी सिक्योर कैपिटल। इस वजह से सिक्योरिटी की तरफ शिफ्ट करने के लिए इट वॉज मूव टूवर्ड्स दी टूवर्ड्स इस्लामाबाद ऑन पोटवार प्लेटो। मोर ओवर ही गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ प्लान्ड कैपिटल। जरूरत इस बात की थी कि एक शहर हो ऐसा जो कि खूबसूरत बनाया जाए, प्लानिंग के साथ बनाया जाए। और इस्लामाबाद जिन लोगों ने विजिट किया होगा, आपने देखा होगा कि इस्लामाबाद में काफी प्लानिंग आपको नजर आती है। इस्लामाबाद वॉज एक्चुअली, जब इस्लामाबाद को प्लान किया जा रहा था, सो अ ग्रीक आर्किटेक्चर कंपनी वॉज इन्वाइटेड टू प्लान इस्लामाबाद एंड दैट कंपनी इज नोन एज डॉक्जेडिस। इसे इन्वाइट किया गया जिन्होंने इस्लामाबाद को रेक्टेंगुलर ग्रिड पैटर्न के अंदर ड्रॉ किया है। इस्लामाबाद अगर आप देखें, नक्शा उठा के इसका देखें, तो रेक्टेंगुलर ग्रिड्स बने हुए हैं। इसके अंदर एक डिफरेंट एरिया है जो कि गवर्नमेंट बिल्डिंग्स और ऑफिसेज के लिए होगा, एक टोटल रेजिडेंशियल एरिया होगा, एक टोटल कमर्शियल एरिया होगा। तो बड़ी प्लानिंग के साथ इसे बनाया गया है। अदर देन दैट, अयूब खान वॉन्टेड द पॉलिटिशियंस टू स्टे अवे फ्रॉम द कमर्शियल एक्टिविटीज एंड अदर हैजल्स ऑफ लाइफ इन कराची। कराची देखो एक डेवलप्ड सिटी, कराची एक इंडस्ट्रियल सिटी उस वक्त भी था, कराची एक पोर्ट सिटी था, तो कराची में बहुत सारी कमर्शियल एक्टिविटीज भी होती थी। कमर्शियल एक्टिविटीज का मतलब ये है कि आपका ध्यान बढ़ सकता है इन सारी वजूहत की वजह से। इसके अलावा आप जो हमारे पॉलिटिशियन हैं, हमारे जो लॉ मेकर्स हैं, वो अक्सर ट्रैफिक जैम्स में भी फंस सकते हैं। तो बहुत सारे मामला हो सकते हैं जो कि उनकी प्रोडक्टिविटी को डिक्रीज करेंगे। एंड सो दैट इज वाई इट वॉज इम्पॉर्टेंट टू शिफ्ट इट अवे फ्रॉम द कमर्शियल सेंटर। लास्टली ही शिफ्टेड द कैपिटल टूवर्ड्स द मोर सिक्योर रीजन दैट इज वेरी नियर टू द जनरल हेडक्वार्टर्स ऑफ द आर्मी। हमारी आर्मी का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? रावलपिंडी में मौजूद है। तो वहां पर इसे शिफ्ट कर दिया गया ताकि सिक्योर भी हो जाए और जस्ट इन केस इन द फ्यूचर मार्शल लॉ लगाना पड़े तो बहुत आसानी से मार्शल लॉ लगाया जा सकता है। अब देखो बेटा, इसके ऊपर क्रिटिसिज्म क्या था? मसला ये था कि अयूब खान को क्रिटिसाइज किया गया दैट वाई इज ही स्पेंडिंग सो मच अमाउंट इन मेकिंग अ न्यू कैपिटल, जबकि एग्जिस्टिंग सिटीज को डेवलप कर सकता है, तो इतना ज्यादा मुल्क के ऊपर क्यों बर्डन डाला जा रहा है कि एक नया कैपिटल बनाया जा रहा है। विच टू सम एक्सटेंड इज ट्रू, के ये बात सही भी है कि आप जब नया शहर बिल्कुल बनाओगे शुरू से आखिर तक, तो जाहिर सी बात है बहुत पैसा भी लगेगा, उसके ऊपर बहुत इन्वेस्टमेंट होगी। और जगह तो देखो, आप जहाँ पे बना रहे हो वो पोटवार प्लेटो की जगह है। हमने चैप्टर नंबर 1 टोपोग्राफी में पढ़ा है एनवायरमेंट ऑफ पाकिस्तान में, क्या कि बैडलैंड टोपोग्राफी है, वहां पर सड़कें बनाना बहुत मुश्किल है, वहां पर कंस्ट्रक्शन करना बहुत मुश्किल है। तो सोचो 1960s में अगर वहां पर काम किया गया होगा तो वहां पर कितना ज्यादा आपने इन्वेस्ट किया होगा इसे बनाने में। नाउ देन इन 1965 अयूब खान आल्सो हेल्ड द इलेक्शंस इन द कंट्री। अयूब खान ने प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस करवाए मुल्क में।
And this time Ayub Khan had made his own political party. Its name was Muslim League. And Ayub Khan was the candidate of Muslim League for presidency once again. He was up against Fatma Jinnah. And who was Fatma Jinnah? She was the sister of Muhammad Ali Jinnah. Aur Jinnah ke saath milkar unhone bahut mehnat ke saath Pakistan banaya tha. And now she was up against Ayub Khan. She was trying to counter Ayub Khan. Ayub Khan ko counter karne ke liye wo nikli thi. Unki nazar mein, jab shuru shuru mein, agar main aapse baat karun ki Ayub Khan jab shuru shuru mein aaya tha, she believed in him. She believed ki Ayub Khan sahi tarike se mulk ko stability dilayega. Lekin Ayub Khan ne jis tarike se chalke democracy sahi tarike se introduce nahi ki, she was very disappointed and she decided to counter him and she decided to contest him in the elections. Lekin bade unfortunate events hue. Fatma Jinnah was being represented by combined opposition parties. Bahut sari political parties thi jo ke milkar Fatma Jinnah ko represent kar rahi thi as their candidate. Lekin Fatma Jinnah ke supporters ke upar firing karwai gayi. Aur Fatma Jinnah jab elections mein haari, unhone ilzam lagaya ke Ayub Khan ne rigging karwai hai. Rigging ka matlab kya hota hai? Dhandli. Dhandli ka matlab kya hota hai? Ki elections mein corruption hui hai. Fatma Jinnah ka kehna ye tha कि गवर्नमेंट मशीनरी को इस्तेमाल किया गया है टू टेक द इलेक्शंस एंड सो दैट अय्यूब खान कुड विन एंड फातिमा जिन्ना कुड बी डिफीटेड. जरा आप लोग खुद से सोचिएगा, पाकिस्तान के फाउंडर मोहम्मद अली जिन्ना और उनकी बहन अगर इलेक्शन लड़ रही हैं, इसका मतलब क्वाइट ऑब्वियस दैट शी वुड विन द इलेक्शन बिकॉज वेयर एवर शी वेंट शी वॉज ग्रीटेड बाय लार्ज नंबर ऑफ पीपल. जहां जहां वो जाती थी बहुत सारे लोग उन्हें वेलकम करते थे और वो बहुत पॉपुलर थी. और क्यों ना वो पॉपुलर, वी ऑल नो हर रोल इन पाकिस्तान मूवमेंट, बट स्टिल अय्यूब खान वाज एबल टू विन एंड सो दिस क्लेम वाज पॉसिबली ट्रू एंड मेनी पीपल आल्सो डिसलाइक द आइडिया दैट अय्यूब खान हैड फायर्ड अपॉन द सपोर्टर्स ऑफ फातिमा जिन्ना. सो अय्यूब खान बिकेम वंस अगेन द प्रेसिडेंट एंड दिस टाइम 64% ऑफ द पीपल ऑफ द बेसिक डेमोक्रेट्स वोटेड इन फेवर ऑफ अय्यूब खान. अगर एक चीज मैं आपको बताऊं, If you go back in 1959 mein jab elections hue the to us waqt 95% of the people had voted in favor of Ayub Khan. Ab agar aap tum dekho ise to Ayub Khan ki popularity mein thoda sa decline aaya hai. Aapko nazar aa raha hai 64% aise log hain jinhone vote kiya hai Ayub Khan ke favor mein. Now let's move on to the economic reforms of Ayub Khan, and among the economic reforms we're going to study two, industrial and agricultural. Industrial reforms Ayub Khan ke ye the that he encouraged privatization. Ayub Khan ne mulk mein industries ko promote karne ke liye, private industries ko promote karne ke liye, private owners ko isne bahut zyada encourage karna shuru kiya. Aur ek cheez jo humne geography mein padhi thi, known as the export bonus scheme. This export bonus scheme was launched. Today export bonus scheme ko we can also call something like EPZ. जिन लोगों ने इंडस्ट्रीज पढ़ा है मुझसे, आप लोगों को ये याद होना चाहिए, बल्कि आप सभी ने पढ़ा है अल्हम्दुलिल्लाह. ईपीजी क्या है? व्हाट इज ईपीजी? एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन. एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन क्या होता है? एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन वो जगह है जहां पर सारी की सारी वो इंडस्ट्रीज होती हैं विच मेक द गुड्स फॉर एक्सपोर्ट, जो कि एक्सपोर्ट ओरिएंटेड गुड्स को बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड द ईपीजी. तो ईपीजी का कॉन्सेप्ट का बिल्कुल जो समझे इनिशियल फेज था, दैट वॉज गिवन बाय Ayub Khan in the form of export bonus scheme, that if anyone would be making the export oriented goods, that person would be given incentives by the government. Usse government ki taraf se maybe tax concession diya jayega, sasti bijli di jayegi, sasti zameen di jayegi, etc., etc. Moreover, during the time of Ayub Khan, Mineral Development Corporation was set up. So chapter number 5, geography, mineral resources mein aap padhiyega to aapko nazar aayega ye word likha hua, Mineral Development Corporation. Pakistan ka wo idara hai जो कि मिनरल्स को ढूंढता है, उन्हें एक्सप्लॉइट करने के तरीके ढूंढता है और एक्सप्लॉइट करता भी है. सो दिस इज नोन एज एमडीसी एंड दिस वाज आल्सो एस्टैब्लिश्ड इन द टाइम ऑफ अय्यूब खान. एंड मोर ओवर विद द हेल्प ऑफ द रशियंस, पाकिस्तान वाज आल्सो एबल टू एक्सप्लोर ऑयल इन पाकिस्तान एंड आल्सो सेट अप ऑयल रिफाइनरी इन पाकिस्तान. अय्यूब खान आल्सो सेलिब्रेटेड हिज 10 इयर्स ऑफ प्रोग्रेस एज द डेकेड ऑफ डेवलपमेंट और द डेकेड ऑफ प्रोग्रेस. अय्यूब खान ने अपने 10 साल कामयाबी के सेलिब्रेट भी किए थे अपनी इकोनॉमिक प्रोग्रेस को देखते हुए. मुल्क का जीडीपी इंक्रीज हो रहा था, सारे इकोनॉमिक इंडिकेटर्स ये साबित कर रहे थे कि अय्यूब खान के दौर में बहुत तरक्की हो रही है, मुल्क में पैसा भी आ रहा था. लेकिन ये जो पैसा आ रहा था, इससे आम आवाम के हालात तब्दील नहीं हो रहे थे. इस जमाने में मुल्क में पैसा तो आ रहा था लेकिन
मेनली जो पैसा था दैट वॉज अक्यूमुलेटेड इन द हैंड्स ऑफ ओनली 22 फैमिलीज। गरीब अभी भी गरीब था, ईस्ट पाकिस्तान में अभी भी बहुत गुर्बत थी, एग्रीकल्चर ईस्ट पाकिस्तान करता था, डेवलपमेंट वेस्ट पाकिस्तान में होती थी, और उसमें से भी 22 ऐसे खानदान थे जैसे कि हबीब ग्रुप, जैसे कि आदमजी ग्रुप, और जैसे कि लकी ग्रुप। ये वो ग्रुप्स थे बिजनेस फैमिलीज के जो कि बहुत तरक्की किए जा रहे थे, बाकी आवाम के ऊपर कोई खास इसका फर्क नहीं पड़ रहा था। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स ऑफ अयूब खान। और एग्रीकल्चर में एक बहुत बड़ा नोटेबल कॉन्ट्रीब्यूशन है अयूब खान का, दैट ही इम्प्रूव्ड द इरीगेशन सिस्टम इन पाकिस्तान। हाउ दिस वॉज डन? इन 1960 व्हेन इंडस वाटर ट्रीटी वॉज साइंड विद इंडिया, तो हिंदुस्तान के साथ इंडस वाटर ट्रीटी हमने साइन की थी विद द हेल्प ऑफ वर्ल्ड बैंक एंड यूनाइटेड नेशंस, जिसकी वजह से इंडस, जेहलम एंड चेनाब वर एक्सक्लूसिवली गिवन टू पाकिस्तान, रावी, सतलज एंड ब्यास वर एक्सक्लूसिवली गिवन टू इंडिया। अगर आपको याद हो, हमने पढ़ा था कि 1949 में पाकिस्तान में एक डिस्प्यूट हुआ था, उस डिस्प्यूट का नाम था कैनाल वाटर डिस्प्यूट। कैनाल वाटर डिस्प्यूट में क्या हुआ था कि पाकिस्तान बनने के कुछ ही अरसे के बाद हिंदुस्तान स्टॉप्ड द फ्लो ऑफ वाटर ऑफ रावी एंड सतलज फ्लोइंग इनटू पाकिस्तान, पाकिस्तान में आने वाला पानी रोक दिया गया था और हिंदुस्तान ने रोक दिया था उसे। इस मैटर को लियाकत अली खान ने कैसे सॉल्व किया था? लियाकत अली खान ने एक टेम्परेरी सॉल्यूशन दिया था, द टेम्परेरी सॉल्यूशन वॉज टू बाय वाटर फ्रॉम इंडिया। इसका परमानेंट सॉल्यूशन अयूब खान ने दे दिया एंड दैट वॉज टू हैव एक्सक्लूसिव एक्सेस ऑफ इंडस, जेहलम एंड चेनाब, एंड ऑन दीज रिवर्स पाकिस्तान वॉज गिवन द अथॉरिटी टू बिल्ड डैम्स, बैराजेस एंड ऑल्सो कैनाल्स। पाकिस्तान को ये अथॉरिटी दी गई, पाकिस्तान को राइट दिया गया, पैसे दिए गए, टेक्निकल सपोर्ट दी गई कि पाकिस्तान मंगला डैम बनाए, पाकिस्तान तरबेला डैम बनाए, पाकिस्तान कैनाल्स का नेटवर्क बनाए। इस तरीके से पाकिस्तान में पानी का मसला सॉल्व किया गया। मोर ओवर ड्यूरिंग द टाइम ऑफ अयूब खान देर वॉज ऑल्सो इंट्रोडक्शन ऑफ मैकेनाइजेशन, ट्रैक्टर्स, कंबाइंड हार्वेस्टर्स को इम्पोर्ट किया गया, और रिसर्च करके डिफरेंट कंट्रीज के साथ मिलकर, मेक्सिको के साथ मिलकर, इंडोनेशिया के साथ मिलकर HYVs पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस किए गए, विच स्टैंड फॉर हाई यील्डिंग वेराइटीज ऑफ सीड्स। ऐसे सीड्स होते हैं जो कि जेनेटिकली मॉडिफाइड होते हैं, जिन्हें प्रिपेयर ही इसी तरीके से किया जाता है लैब में, ताकि बहुत ही रेजिस्टेंट किस्म का आपका क्रॉप प्रोड्यूस हो, आपका ऐसा क्रॉप प्रोड्यूस हो जो कि एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशंस में भी सर्वाइव कर सके, आपका ऐसा क्रॉप प्रोड्यूस हो जो कि पेस्ट्स और इंसेक्ट्स के खिलाफ भी रेजिस्ट कर सके, वायरसेस के खिलाफ भी सर्वाइव कर सके। सो दीज टाइप्स ऑफ सीड्स वर ऑल्सो इंट्रोड्यूस इन पाकिस्तान। अयूब खान सेलिब्रेटेड हिज एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स एज द ग्रीन रेवोल्यूशन। इस चीज को उसके सपोर्टर्स ने ग्रीन रेवोल्यूशन का नाम दिया है। वन मोर नोटेबल वर्क ऑफ अयूब खान वॉज टू इंट्रोड्यूस द लैंड रिफॉर्म्स। लैंड रिफॉर्म्स चैप्टर नंबर 7 एग्रीकल्चर में हमने पढ़ा हुआ है, लेकिन एक दफा और देख लेते हैं कि लैंड रिफॉर्म्स के दो हिस्से होते हैं। लैंड रिफॉर्म्स के दो हिस्से क्या होते हैं? नंबर 1, लैंड रिफॉर्म्स डील विद नंबर 1 डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड। अगर आपको ज्योग्राफी वाली बात नहीं याद आ रही तो आपको याद दिला देता हूं, नंबर 1 डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड, एंड नंबर 2 कंसोलिडेशन ऑफ लैंड। जमीन के रिफॉर्म्स दो तरीके के होते हैं, या तो डिस्ट्रीब्यूशन के होते हैं या कंसोलिडेशन के होते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है कि आपके पास एक बहुत बड़ी जमीन है, उस जमीन को फीजिबल टुकड़ों के अंदर डिवाइड कर देना सो दैट एग्रीकल्चर कुड बी डन, दैट इज नोन एज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड। कंसोलिडेशन का मतलब क्या होता है कि आपके पास छोटी छोटी जमीनें हैं, उन छोटी जमीनों को मर्ज करके आप एक बड़ी जमीन बना दो, दैट इज कॉल्ड द कंसोलिडेशन ऑफ लैंड। तो इस तरीके से दो तरीके के रिफॉर्म्स लेकर आया अयूब खान, वन इज नोन एज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड, द अदर इज नोन एज द कंसोलिडेशन ऑफ लैंड। सो द मिनिमम लिमिट ऑफ लैंड वॉज फिक्स्ड एट 12.5 एकर्स। कम अज कम जमीन एग्रीकल्चर के लिए जो रिक्वायर्ड होगी वो 12.5 एकर्स की होगी। 500 एकर्स की जमीन को आप इरीगेटेड रख सकते हो और 1000 एकड़ की जमीन को अनइरीगेटेड आप रख सकते हो। अगर आपके पास इससे ज्यादा जमीन मौजूद है, दैट वुड बी कॉन्फिस्केटेड बाय द गवर्नमेंट। द गवर्नमेंट कुड सेल इट टू द स्मॉल फार्मर्स और द गवर्नमेंट कुड होल्ड द ऑक्शन। बोली लगा सकती है उसकी और जो भी उसे खरीदेगा उसे उतनी प्राइस का जमीन मिल जाएगी। सो दीज वर द लैंड रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस्ड बाय अयूब खान। लेकिन हमने ज्योग्राफी में भी पढ़ा है, एक दफा हिस्ट्री में भी पढ़ लेते हैं कि लैंड रिफॉर्म्स समझ में ऐसा लग रहा है कि यार ये बहुत ही कामयाब होंगे, लेकिन इतने कामयाब नहीं थे, क्योंकि जो लैंड लॉर्ड्स हैं हमारे मुल्क में
वो बहुत ही इन्फ्लुएंशियल है हमेशा से, और उन्होंने बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स के अंदर फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज की, जिसकी वजह से वो इन लैंड रिफॉर्म से बच गए। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दी फॉरेन पॉलिसीज ऑफ अयूब खान। अयूब खान की फॉरेन पॉलिसीज को देखते हैं, दैट इज द पार्ट ऑफ आवर चैप्टर नंबर 16। तो चैप्टर नंबर 16 के हिसाब से देखते हैं कि अयूब खान ने क्या क्या ताल्लुकात किस किस मुल्क के साथ बनाए हैं। लेट अस बिगिन विद द रिलेशंस विद यूके। सबसे पहले यूके के साथ अयूब खान के क्या ताल्लुकात थे, जरा उसे देखते हैं। सो अयूब खान विजिटेड यूके एंड क्वीन एलिजाबेथ द सेकेंड ऑल्सो विजिटेड पाकिस्तान। तो ये जो बायलेटरल एक्सचेंज ऑफ विजिट चल रहा है, इसकी वजह से पाकिस्तान के ताल्लुकात बहुत अच्छे हो रहे थे इन 1961 एंड 62। शी ऑल्सो केम टू पाकिस्तान एंड इनॉग्रेटेड द कोरंगी हाउसिंग स्कीम। अयूब खान व्हेन ही विजिटेड यूके ही वाज गिवन एक्सट्रॉर्डनरी प्रोटोकॉल इन ब्रिटेन। जब अयूब खान यूके गया था तो उसे बहुत ही एक्सट्रॉर्डनरी प्रोटोकॉल मिला था। अगर आपको मौका मिले तो यूट्यूब पे जाके आप वीडियो सर्च करना अयूब खान विजिट टू यूके, आपको देखने को मिलेगा कि अयूब खान को किस तरीके से वेलकम किया गया था वहां पे। तारीख में इस तरीके की हमें कोई मिसाल नहीं मिलती कि पाकिस्तान के किसी लीडर को इतना ज्यादा प्रोटोकॉल के साथ वहां पे वेलकम किया हो। लेट्स टॉक अबाउट पाकिस्तान रिलेशन विद चाइना। तो पाकिस्तान रिलेशन विद चाइना इम्प्रूव सिग्निफिकेंटली ड्यूरिंग दिस टाइम। पाकिस्तान के ताल्लुकात चाइना के साथ अचानक से अच्छे हो गए। 1950s में पाकिस्तान के ताल्लुकात इतने कुछ खास अच्छे नहीं थे, लेकिन 60s में अच्छे होना शुरू हो गए। रीजन क्या था इसका, कि चाइना की और इंडिया की जंग हो गई। दिस इज नोन एज द सीनो इंडियन वॉर। अब देखो, चाइना और इंडिया अगर दुश्मनी करेंगे तो पाकिस्तान की जाहिर से बात है चाइना से दोस्ती हो जाएगी, क्योंकि इंडिया हमारा दुश्मन है और हमारे दुश्मन का दुश्मन हमारा दोस्त होगा। सो इस तरीके से पाकिस्तान की दोस्ती चाइना के साथ होने लग गई। आपका सवाल होगा कि सर चाइना का और इंडिया का मसला क्या था। मसला बेटा आता है कश्मीर में। कश्मीर को ये देखो, ये कश्मीर है, सही है। कश्मीर के बनते हैं तीन हिस्से। तीन हिस्से कौन से बनते हैं कश्मीर के, एक बनता है ये हिस्सा, इसे हम कहते हैं लद्दाख। एक हिस्सा बनता है ये, जिसे हम कहते हैं जम्मू, और एक हिस्सा ये बनता है जिसे हम कहते हैं आजाद कश्मीर। तीन हिस्से बनते हैं कश्मीर के। एक हिस्सा वो है जो कि पाकिस्तान के साथ है, यहाँ पे मुसलमान आबादी ज्यादा है, जम्मू में हिंदुओं की आबादी ज्यादा है, और लद्दाख में बुद्धिस्ट की पॉपुलेशन ज्यादा है। चाइना ने इंडिया के साथ कॉन्फ्लिक्ट किया, और कॉन्फ्लिक्ट करने के बाद जो हिंदुस्तान के पास ये कश्मीर का हिस्सा था टॉप वाला, इस लद्दाख के रीजन को उसने टेक ओवर कर लिया। अब पॉसिबिलिटी ये थी कि पाकिस्तान के साथ भी लड़ाई करेगा चाइना, और पाकिस्तान के साथ भी ये जो बॉर्डरिंग एरिया है वो टेक ओवर कर लेगा। इससे पहले चाइना हमारे साथ लड़ाई करता और पाकिस्तान से लड़के वो हासिल करता लद्दाख, हमने खुद ही गिफ्ट कर दिया। पाकिस्तानी गवर्नमेंट डिसाइडेड टू गिफ्ट द एरिया ऑफ बुद्धिस्ट पॉपुलेशन टू चाइना। तो ये जो बाउंड्री सेटलमेंट था पाकिस्तान ने खुद ही से चाइना के साथ कर लिया, और दोस्ती में चाइना ने पाकिस्तान के साथ ट्रेड एग्रीमेंट्स भी साइन कर दिए। पाकिस्तान से कहा कि PIA की फ्लाइट्स हम चाइना में भी लॉन्च करवा देंगे। पाकिस्तान को उसने एड भी दे दी, पाकिस्तान को उसने लोन भी दे दिया। तो पाकिस्तान के ताल्लुकात चाइना के साथ बहुत अच्छे हो गए, और चाइना ने ओपनली कहा कि कश्मीर का इशू पाकिस्तान और इंडिया के बीच में जो है, उसमें चाइना वुड सपोर्ट पाकिस्तान एंड नॉट इंडिया। नाउ लेट्स टॉक अबाउट पाकिस्तान रिलेशन विद इंडिया। ड्यूरिंग द टाइम ऑफ अयूब खान पाकिस्तान साइंड इंडस वाटर ट्रीटी विद इंडिया, विच वॉज अ गुड वे टू हैव बेटर रिलेशन, बिकॉज वाटर प्रॉब्लम वर सॉल्व वंस एंड फॉर एवर। बट पाकिस्तान हैड पुअर रिलेशन विद इंडिया ड्यूरिंग द 1965 वॉर। 1965 वॉर का मामला क्या था? 1965 का वॉर का मामला ये था कि पाकिस्तानी आर्मी ने एक ऑपरेशन बनाया, उस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन जिब्राल्टर। ऑपरेशन जिब्राल्टर ये था कि पाकिस्तानी आर्मी वुड इनफिल्ट्रेट इनटू कश्मीर। 30,000 सोल्जर्स पाकिस्तानी आर्मी के जो हैं वो कश्मीर में घुस जाएंगे, लेकिन भेस बदल के घुसेंगे। पाकिस्तानी आर्मी के जो सोल्जर्स होंगे वो इन द डिस्गाइज ऑफ कश्मीरी पीपल, दे वुड एंटर इनटू कश्मीर, और वहां पे एंटर होने के बाद दे वुड इनिशिएट एन अपराइजिंग ओवर देयर, और वहां पे जाके अपराइजिंग को शुरू कर देंगे। दिस प्लान गॉट सक्सेसफुल एंड अपराइजिंग स्टार्टेड इन इंडिया, और एक बहुत बड़ा सरप्राइज अटैक था इंडिया के लिए। बट इन रिटेलिएशन इंडिया गेव अ सरप्राइज अटैक इन पाकिस्तान। इंडिया अटैक्ड इन सिंध एंड पंजाब, पंजाब और सिंध में इंडिया ने अटैक कर दिया। पाकिस्तान आर्मी वॉज नॉट रेडी एट दैट टाइम। पाकिस्तानी आर्मी वॉज टेकन बाय सरप्राइज। पाकिस्तानी आर्मी वॉज टोटली अटेंटिव इन कश्मीर एंड नॉट रेडी टू डिफेंड इट सेल्फ इन सिंध एंड पंजाब। एंड सो एज द इंडियन आर्मी स्टार्टेड टू ऑक्यूपाई द पाकिस्तानी टेरिटरीज, पाकिस्तानी आर्मी एंड सम ब्रेव सोल्जर्स डिफेंडेड पाकिस्तान वेरी वेल, एंड दैट इज वाई वी सेलिब्रेट द डे एज द डिफेंस डे ऑन 6th of September। 6th of September को हम लोग डिफेंस डे मनाते हैं, हम लोग यौम दिफा मनाते हैं, हम लोग यौम फतह
नहीं मनाते। इससे साबित होता है कि हमने अपने आप को डिफेंस तो किया, लेकिन हम इस विक्ट्री में, ये हमें विक्ट्री नहीं मिल सकी। दिस ऑपरेशन हैड टू बी वाउंड अप, ये ऑपरेशन खत्म करवा दिया गया। और फाइनली पाकिस्तान ने और इंडिया ने एक ट्रीटी साइन की। इस ट्रीटी का नाम है ताशकंद एग्रीमेंट, और ताशकंद एग्रीमेंट यूके और यूएसएसआर की मदद से पीस ट्रीटी हमने ये साइन की, जिसकी वजह से पाकिस्तान और इंडिया के दोबारा से पीस कायम हुआ। जितनी भी टेरिटरीज एक दूसरे की गेन कर ली थी उसे रिटर्न कर दिया गया। लेट्स टॉक अबाउट पाकिस्तान रिलेशन विद मुस्लिम कंट्रीज। ईरान का सवाल आज तक आया नहीं है, मुस्लिम कंट्रीज का सवाल आज तक आया नहीं है पेपर में, लेकिन उसके बावजूद क्योंकि सिलेबस का हिस्सा है तो पढ़ना तो है। तो पाकिस्तान, ईरान एंड टर्की गॉट ऑफ विद बेटर रिलेशंस बिकॉज दे बिकेम द मेंबर्स ऑफ आरसीडी। आरसीडी स्टैंड्स फॉर रीजनल कोऑपरेशन फॉर डेवलपमेंट। ये आपने ट्रांसपोर्ट के चैप्टर में भी पढ़ा होगा ज्योग्राफी में। आरसीडी नाम का एक हाईवे बनाया गया है जो कि पाकिस्तान को, ईरान को और टर्की को कनेक्ट करता है। और अगर आपको रीसेंट डेवलपमेंट बताऊं तो ये है कि कार्गो ट्रेन और पैसेंजर ट्रेन लॉन्च कर दी गई है, जो कि पाकिस्तान, ईरान और टर्की को कनेक्ट करेगी। रिलेशंस विद यूएसएसआर, शुरू में तो हमारे ताल्लुकात थोड़े से खराब हो गए थे रशिया के साथ, और वो इसलिए खराब हुए थे क्योंकि 1960 में एक क्राइसिस हुआ जिसका नाम है U2 क्राइसिस। U2 क्राइसिस का सवाल डे प्लान में भी मौजूद है और नोट्स में भी आप इसे देख सकेंगे। इसके अलावा ये पास पेपर्स में भी सवाल मौजूद है। U2 इंसिडेंट ये था कि देयर वॉज अ स्पाई प्लेन एंड दिस स्पाई प्लेन वॉज ऑफ यूएसए। दिस टुक ऑफ फ्रॉम पाकिस्तान। इन पाकिस्तान देयर वॉज अ सीक्रेट एयर बेस ऑफ यूएसए, जहां से ये जहाज उड़ा और उड़ने के बाद ये रशिया में जाके स्पाइंग कर रहा था। रशियंस शॉट इट डाउन, रशियंस ने इसे मार के गिरा दिया। और गिराने के बाद रशिया ने ओपनली थ्रेट किया पाकिस्तान को कि ये, क्योंकि जो प्लेन है पाकिस्तान की टेरिटरी से उड़ता हुआ आया और रशिया में आके ये कर रहा था, स्पाइंग कर रहा था, इस वजह से पाकिस्तान के ऊपर अटैक हो सकता है। तो उसी वक्त पाकिस्तान के प्रेसिडेंट अयूब खान ने पब्लिकली अपोलोजाइज किया कि पाकिस्तान ने ये गलती कर दी है, और पाकिस्तान डिसाइडेड टू क्लोज डाउन द यूएस एयरबेस इन पाकिस्तान। पाकिस्तान ने यूएस एयरबेस को शट डाउन कर दिया। पाकिस्तान के ताल्लुकात यूएसएसआर से इम्प्रूव होना शुरू हो गए। पाकिस्तान ने अपोलोजाइज करने के साथ साथ यूएसएसआर को इन्वाइट किया टू लॉन्च द ऑयल एक्सप्लोरेशन प्रोजेक्ट्स इन पाकिस्तान, एंड सो ऑयल रिफाइनरी वॉज ऑल्सो सेटअप विद द हेल्प ऑफ दी रशियन। साथ ही साथ 1966 में रशिया प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन साइनिंग द पीस ट्रीटी बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। तो इस तरीके से पाकिस्तान के ताल्लुकात रशिया के साथ बेहतर हो गए। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दी पाकिस्तान रिलेशंस विद यूएसए। यूएसए के साथ पाकिस्तान के क्या ताल्लुकात थे? अयूब खान वॉज अ प्रो यूएस प्रेजिडेंट। अयूब खान गॉट अ लॉट ऑफ यूएस एड। यूएस एड भी इसके दौर में काफी सारी मिली। और ये जो फैमिली प्लानिंग स्कीम्स वगैरह थी, दीज वर स्टार्टेड बिकॉज ऑफ दी फंडिंग्स बाय यूएसए। यूएसए फंडिंग कर रहा था जिसकी वजह से पाकिस्तान ने ये बर्थ कंट्रोल प्रोग्राम्स को लॉन्च किया था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली 1965 की वॉर में यूएसए ने पाकिस्तान की मदद नहीं की, बल्कि यूएसए ने पाकिस्तान और इंडिया दोनों के ऊपर एम्बार्गो लगा दिया था कि यूएसए पाकिस्तान और इंडिया दोनों को ही मिलिट्री एड नहीं देगा, विच वॉज अ ड्रॉबैक फॉर पाकिस्तान। क्योंकि पाकिस्तान जो कि एक्सपेक्ट करता है कि हम सीटों का पार्ट है, हम सेंटों का पार्ट है, तो यूएसए हमारी मदद करेगा। यूएसए ने हमारी बिल्कुल भी मदद नहीं की, इसका पाकिस्तान को बहुत ज्यादा दुख भी था। 1960s पाकिस्तान के लिए बड़े यूनिक थे बिकॉज पाकिस्तान वॉज रिसीविंग एड फ्रॉम यूएसए, पाकिस्तान वॉज रिसीविंग एड फ्रॉम रशिया, एंड पाकिस्तान वॉज रिसीविंग एड फ्रॉम चाइना। तो पाकिस्तान हर किसी से ही भीख हासिल कर रहा था। तो पाकिस्तान के ताल्लुकात हर किसी से बहुत ही अच्छे थे, चाहे वो एंटी कम्युनिस्ट नेशन हो या कम्युनिस्ट नेशन हो, पाकिस्तान दोनों से ही एड हासिल कर रहा था। एट दिस टाइम द फॉरेन मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान वॉज जुल्फिकार अली भुट्टो।